Assalamualaikum, all of you, take out your Hindi books, Pallav Hindi Part Mala, okay? Take out your lesson number 1, page number 5. Lesson name, Suna Kahani, okay? Okay, nikali aap sabne? Okay, apna reading karte hain, okay? सुना कहानी मेरी नानी अच्छी अच्छी बड़ी पुरानी जंगल में जब बरसा पानी बंदर ने जब की मनमानी। ठीक है, इस कविता में कवि क्या कह रहा है, अपने नानी से क्या कह रहा है, वो कहानियाँ सुनाने की जिद कर रहा है। वो कौन कर रहा है, कवि किससे कर रहा है जिद, अपनी नानी से। क्या कह रहा है वो कि नानी मुझे आज क्या सुना दो, अच्छी अच्छी बड़ी पुरानी मुझे कहानी सुना दो। कौन सी वाली, जंगल में जब क्या बरसा, पानी बरसा तो बंदर क्या करता है, अपनी मनमानी करता है, अपनी मनमर्जी करता है। ठीक है, मनमर्जी मतलब अपने मन की करना, करते हैं ना अपन मन की। जब पानी आता है तो अपन नहाने लगते हैं, मम्मी पापा मना करते हैं लेकिन फिर भी उसके बावजूद अपन नहाते हैं, अपने मन की करते हैं। खेलने की मना करते हैं लेकिन फिर भी खेलते हैं। ठीक है, तो बंदर भी क्या कर रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है। चला झूमता सा जब हाथी खोया था मोहन का साथी। झूमता मतलब मस्त चाल में चलना, हाथी कैसे चल रहा है, अपनी मस्त चाल में झूमता सा चल रहा है। कौन खोया है, मोहन का साथी। सोई थी जब सारी दुनिया जाग रही थी कैसे परिया। कभी क्या कह रहा है कहानी में कि जब सारी दुनिया सो जाती है तो कौन जागती है, परियां जागती हैं। ठीक है, जब प्यासे थे राजा रानी बोली क्या नानी की नानी। उड़न खटोला कहाँ गया था, कैसी थी वो सैर सुहानी। कौन थे प्यासे, राजा रानी, क्या बोल रही है, नानी की नानी। उड़न खटोला मीन्स उड़ने वाली खाट, वो उड़ने वाली खाट कहाँ गई, कैसी थी वो सैर सुहानी। सैर मतलब घूमना फिरना, सुहानी मतलब सुहावनी। ठीक है, झूले मेले शेर तमाशे किसने खाए दूध पताशे। तमाशे मतलब नाटक या खेल, अपने गली मोहल्लों में आते ना नाटक खेल बताने वाले। किसने खाए दूध पताशे, मेले में जाते हैं अपन तो खाते हैं ना पानी पताशे खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, है ना, और झूलों में झूलते हैं, नाटक देखते हैं, सर्कस देखते हैं, देखते हैं ना सब। फूल सुनहरे जुगनू तारे चंदा मामा के गुण सारे। ये सब किसके गुण मतलब अच्छाई, चंदा मामा की ये सब क्या है, अच्छाई है। जैसे कहते हैं ना आसिफ बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो पढ़ाई क्या हो गई उसकी, अच्छाई हो गई, है ना, पढ़ने में ये बहुत अच्छा लड़का है, गुण मतलब अच्छाई। ठीक है, अब अपन पेज टर्न ओवर करेंगे। ओके, पेज टर्न ओवर कर दिया सब बच्चों ने, देखिए। मुझे बता दे आज सुना दे वही कहानी बड़ी पुरानी मेरी नानी। क्या कह रहा है कवि कि आज मुझे वही कहानी सुना दो जो बहुत पुरानी कहानी है। ओके, आया आप लोगों को भी समझ में, आया ना बच्चों। यहाँ पे देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ये प्रयाग शुक्ल, ये कवि का नाम है, कवि का नेम क्या है, प्रयाग शुक्ल। ठीक है, आगे आपको समझ में, कविता समझ में आई आपको, तो इस कविता का माध्यम क्या है, संदेश क्या है, क्या कह रहा है इस कविता में कवि, अपनी नानी से कहानियाँ सुनने की वो जिद कर रहा है। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं यहाँ पे। ये पहला क्वेश्चन क्या है, शुद्ध उच्चारण कीजिए, पढ़ना है सिर्फ अपने को, क्या है, कहानी पुरानी मनमानी दुनिया उड़न खटोला सुहानी। ओके, पढ़ो आप भी मेरे साथ, पढ़ लिया आपने भी, वेरी गुड। ठीक है,